बहुत बहुत स्वागत है जी। अज एक बार फिर तो आप बड़े खास टॉपिक पर गलबात कर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के सवाल साढ़े तक आए थे कि रिफ्यूजल प्रोफाइल्स ने या फिर जिन्हों का गैप काफ़ी ज़्यादा है कि वो हूँ की करन। तो एक तो शुरुआत ही तो अंदाजी है कि हूँ जो कैनेडा का मई इनटेक आ रहा, अगों सपटेंबर इनटेक आएगा, एक तुहाडे लिए हूँ गोल्डन चांस रहन वाला है प्रोफाइल के लिए, तुहाडी वीज़ा लैन के लिए। ये गोल्डन चांस किवें बनन जा रहा तुहाडे लिए कैनेडा का मई और सपटेंबर इनटेक, अज की वीडियो में तुहानू यही जानकारी पूरी दसांगे। बिल्कुल ध्यान नाल अज की वीडियो तुसीं देखनी है ते तुहाडे के जानकारी पहुंचाएंगे फ्रंटियर इमीग्रेशन तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। सत श्री अकाल जी। सुकीर्ति, अज आप खास तौर पर गल करनी है रिफ्यूजल जो स्टूडेंट्स फेस कर चुके हैं या फिर गैप आप जिन्हों का कही काफ़ी आ चुके हैं, सो उन्होंने एक गोल्डन चांस हो जा रहा है मई इनटेक सपटेंबर इनटेक कैनेडा का, वो किवें गोल्डन चांस बन जा रहा है, स्टूडेंट्स किवें जल्दी तो जल्दी अपनी फाइल प्रोसैस करन ताकि उन्होंने वीज़ा जल्दी तो जल्दी आए। जी बिल्कुल जी, आप गल कर रहे हैं उन्हां स्टूडेंट जी जिहड़े ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं, भावें वह किसी भी कंट्री तो हो, कैनेडा तो हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि किसी भी कंट्री तो उन्होंने लई मई ते सपटेंबर इनटेक कैनेडा का बिल्कुल गोल्डन चांस है। वो कुछ रीजनस ने, जे आप हुण ऑस्ट्रेलिया की गल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हुण रूल्स चेंज हो गए कि बच्चा 2022 पास आउट है ता ही वह एडमिशन लै सकता है, तो उन्हां बच्चों लई जिहड़े ऑलरेडी पहला पास आउट है, 21 पास आउट है, 20 पास आउट, उन्हां लई ऑप्शनस ही नहीं है, तो वह बच्चे कैनेडा जा सकते हैं क्योंकि कैनेडा विच गैप एक्सेप्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो गैप किदां कंसीडर हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ने किसी रीजन तो नहीं करया हुंदा, मेडिकल इशूज होंगे हैं या जॉब कर रहे होंगे, बहुत तरह की चीज़ा होंगे जी जस्टिफाई हो जाती है। तो जे आप कैनेडा विच वीज़ा 13-13 साल के गैप से ले सकते हैं, तो किसी बच्चे का 2 साल का 4 साल का है तो वह तो एक्सैप्ट हो ही सकता है। इस तो अलावा जे आप कैनेडा की गल करते हैं, इस टाइम सब तो घट जिहड़ा रश है वह कैनेडा दे विच है, क्योंकि अज दे टाइम बच्चा ज़्यादा इंपोर्टेंस दे रहा है यूके नूं। उहदा रीज़न यह है क्योंकि यूके विदाउट आइल्स भी चलता है, 5 बैंड ते भी चलता है, 5.5 ते भी चलता है, तो कैनेडा रश कॉम्पीटिशन की आप गल करते कितने ना कितने घट है। तो एक होर इहदा रीज़न है क्योंकि मार्केट लोग चैलेंज एक्सैप्ट नहीं कर रहे हैं, जिहदे करके वो सिर्फ उही फाइल चकते हैं जिहड़ी SDS है, तो ऑलरेडी जिहड़े बच्चे नॉन SDS चाहते हैं जेनरिक विच आते हैं, एक तो उन्हां दी मार्केट घट है, दूजी जे कोई ला भी दिंदा है तो एक्सपर्टीज़ नहीं हुंदा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इहदे ते वीज़ा किद्दां लेना है, क्योंकि डेफिनेटली जे तुहाडे कोल कोई बच्चा आ रहा है जिहदे एक मॉड्यूल च 5.5 है, आपां नूं उन्हें इंपोर्टेंस भी उस तरह की देनी है, देखना भी SOP किद्दां जाऊगी या डॉक्यूमेंटेशन किद्दां तैयार होगी। सो ये कुछ रीजनस है जिहदे करके हुण तुहाडे लई गोल्डन चांस है कि तुसीं कैनेडा विच मई ते सपटेंबर इनटेक लई अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 5.5 ते हुणे भी न्यू ईयर ते कैनेडा ने बहुत वीज़े दिते हैं, तो उहदे रीज़न ये है क्योंकि नॉन SDS प्रोफाइल दे या जेनरिक प्रोफाइल दे जिहड़ा रश है वह बहुत घट है, सो डेफिनेटली तुहानूं उस चीज़ विच वैल्यू मिलन वाली है। दूजी कंट्री विच तुहाडे गैप है वो कंसीडर नहीं हो रहे हैं, तो यूके दी आपां गल करदे उत्थे रिजल्ट बहुत फास्ट है, तो सक्सैस रेट भी बहुत वध है, तो कॉम्पीटिशन भी विच भी तुसीं कह सकते हो कि कैनेडा ने हुण वीज़े देने ही देने हैं, तो ये बच्चे लिए कितने कितने इंपोर्टेंस बन जाती है कि जिन्हां बच्चों के एक मॉड्यूल 5.5 है या तुसीं कह लो कि एकेडेमिकली जिहड़ी परसेंटेज है वो घट है या गैप बहुत ज़्यादा है, लाइक 4 साल का है, 10 साल का है, तो डेफिनेटली तुसीं कैनेडा लिए अप्लाई कर सकते हो, तो मई ते सपटेंबर इनटेक विच वीज़ा ले सकते हो। जी कीर्ति, मैं लगता है जिवें ऑस्ट्रेलिया की गल करते हैं, उत्ते हुण जो रीसेंट पास आउट स्टूडेंट्स ही ले जा रहे हैं, तो हुण उधर भी जिहड़े स्टूडेंट्स या प्रोफाइल्स ने हुण जिन्हां दा थोड़ा आपां 1-2 साल का अगर गैप कह लिए, तो वह भी मैं लगता हुण इसी कैनेडा वल नूं ही मूव हो जाणगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि हुण जे ऑस्ट्रेलिया ने ऑप्शन ही नहीं दिता तुहानूं कि तुसीं 21 पास आउट हो या 20 पास हो, तो ऑफकोर्स जिहड़े बच्चे 15 पास आउट है, 16 पास आउट है, वह तो सोच भी नहीं सकते हुण ऑस्ट्रेलिया जाना, तो उन्हें लिए कैनेडा बहुत ही वधिया ऑप्शन है। एक तो गैप है वो कंसीडर हो जाता है तुहाडा, दूजा तुसी अप्लाई करो इस टाइम विदाउट मतलब जिहड़े बच्चे नॉन SDS कैटेगरी में आ रहे हैं वो भी वीज़े लै रहे हैं, तो दूजा ये शो मनी भी तुहानू नहीं करनी पैंदी, अपनी GIC कराओ, 1 साल की फीस भरो, बड़े आराम नाल तुसी वीज़ा लै सकते हो। इस तो अलावा तुहाडे कोल ऑप्शन है कि तुसी प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो जिन्हां विच रोलिंग इनटेक्स अवेलेबल होंगे, तुहानू मई ते सपटेंबर की भी वेट नहीं करनी पैंदी, तो इदा के बहुत सारे ऑप्शन है जो अवेलेबल है बच्चे को। जी बिल्कुल, तो जो देखो आप जो भी कैनेडा की गल करते हैं तो गल नॉन SDS तो SDS की जब आ जाती है कि SDS के उपर काम करना एक कंसल्टेंटली सौखा रहता है, नॉन SDS के उपर काम करना कि थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, कि ज़्यादा फोकस जो है SDS प्रोफाइल पर ही किया जाता है। जी बिल्कुल, जो मैं मार्केट की गल करती हूँ, एक्चुअली मार्केट लोग नॉन SDS जनरिक कैटेगरी पिक ही नहीं करते, बच्चे आई सलाह देंगे कि तू IELTS रिपीट कर ले, PT रिपीट कर ले, PT बेसिकली आँदी ही नॉन SDS चाहे, तो उन्होंने सलाह
ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਟੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 5.5 ਤੇ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ SGS ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ SGS ਦੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ SGS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨ SGS ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮਾਡਲ 'ਚ 5.5 ਹੈ ਜਾਂ PT ਹੈ PT ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ PT ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗੀ ਵੀ ਦੇਗੀ ਬਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਲੇਂਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੈਨਰਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੋਨ SGS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੀਏ SOP ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਸੋ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਈ ਐਂਡ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੈਕਲੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕੀਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ